आरएलपी रो कैंडिडेट अगर ओसिया विधानसभा क्षेत्र रो खड़ो वेला तो दिव्या जी सीधी सीधी आ तो आरएलपी रो भी तो एक कैंडिडेट पूर्ण खड़ो हो सके फिलहाल आरएलपी रो कोई कैंडिडेट घोषित नहीं होड़ो है ओसिया विधानसभा क्षेत्र तो अभी अभी तक कैंडिडेट तैयार नहीं है कोई तैयारी नहीं कर रही योजना आगे कहीं चांस हो सकता है कैंडिडेट तो आरएलपी में जाने वाला बहुत है बीजेपी कोशिश करे भाई बीजेपी टिकट मिल जाए तो शंभू सिंह जी बीजेपी कोशिश करे भैर जी बीजेपी करे महेंद्र साहब बीजेपी अगर बीजेपी टिकट नहीं मिले तो शंभू सिंह जी जा सके आरएलपी पार्टी टिकट ला सके अगर आरएलपी पार्टी हो शंभू सिंह जी टिकट ले ना हो तो सीधी जीत है सॉलिड जीत है कोई हरने वाला नहीं शंभू सिंह जी दोनों पार्टी तो जा ही नहीं सके एक ने तो बीजेपी को टिकट मिलना ही है अगर जे शंभू सिंह जी टिकट मिल जाए तो भैर जी जा सके आप भी हो सके मतलब ओशियर आज तक रिकॉर्ड रही है कि जाट कैंडिडेट नहीं ज्यादातर टिकट मिले तो अब कल शंभू सिंह ने मिल सके टिकट चांस है तीन बार हुई है साहब ओशिया विधानसभा क्षेत्र जाट ने टिकट मिलते हैं तीन बार हुई है नौ बार एमएलए उन्होंने पहली रहा मतलब राजपूत समाज अगर दादा ने टिकट मिल जाए शंभू सिंह जी ने तो सॉलिड जीत है आर एल पी पार्टी की तरफ वोट मिलेगा और बीजेपी की तरफ जो राजपूत समाज का वोट है वह भी सीधी खुली जीत बोला तो ओशिया में बार जातिवाद कोई तो कोई खास मामलों को नहीं कोई जातिवाद को कोई बहुत शंभू सिंह भी आरएलपी शंभू सिंह जी अच्छा आदमी है अब यार पांच आदमी का जमीन दी हुई है बच्चियों के कॉलेज वास्ते और अच्छा आदमी है छत्तीस कौम का मतलब हितेशिया कोई जाति पक्ष को माहौल नहीं मतलब अगर शंभू सिंह जी आरएलपी टिकट ले रहे तो भी जीत शंभू सिंह जी ने किसी पार्टी को टिकट मिले तो भी वाणी जीत है बीजेपी को टिकट मिले तो भी पार्टी के नाते राजपूत समाज का वोट उल्टे पड़ना है तो भी वाणी जीत हुए अगर आरएलपी ले रहा है तो जितना आरएलपी रहा है सदस्य मैं तो वोट दे ही देला प्लस राजपूत समाज का वोट पड़ेगा जिन वाणी सीधी जीत दो दो ज्यादा ने टिकट मिलेगा अगर बैर जी ने दिव्या जी ने टिकट मिले शंभू सिंह जी ने मिलेगा सॉलिड जीत है देखो साहब वो तो पार्टी रो है पर लागे नहीं है यूं लोगों ने मां मान मोल नहीं लागे भाई दाता बैठ के देखो कोशिश है भाई किसी सूरत में ओसी हो एक बात चुनाव तो अगर वो समीकरण बनियो के आरएलपी हूं शंभू सिंह जी टिकट लिए हुए बीजेपी हूं बीजेपी हो कांग्रेस जी जी खड़ा हुआ तो कहीं पचकी रो मोल शंभू सिंह जी रो बीजेपी हो आरएलपी हो शंभू सिंह जी खुली जीत है साहब कौन को भाई सामने बीजेपी हो बीजेपी बैठ जी दिव्या जी दोनों होई तो ज्यादा 50% वोट अटनी हो जी प्लस पार्टी में हो जी और आधा वोट जाता रह जाएगा आर एल पी पार्टी में मिलती और राजपूत समाज का वोट मिल जाए दाता खुली जी और फिर भी वे मोल ही अच्छो है काम भी करावे है प्रेजेंट टाइम में ओसिया का प्रधान भी है और अगर वो प्रधान प्रतिनिधि ओसिया शंभू सिंह जी घरों